अक्सर जब हम लोग के गांव में मक्के हो जाते हैं तैयार खाने के लिए, भुट्टा हो जाता है तैयार, तो हम लोग के गांव वाले क्या करते हैं ना, तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद फिर से मक्का तोड़ के खाने लगते हैं, फिर से क्या स्टार्ट कर देते हैं खाना। जैसे कि अभी हम लोग के गांव में मक्का खाना स्टार्ट लगभग सभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि लगभग मक्का हो ही गया है। अब कुछ दिनों के बाद मक्के का पत्ता सूखने का नतीजा क्या होता है, मतलब सूखने की वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि आगे का प्रोसेस जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि पत्ता सूखने की वजह से क्या होता है। तो देखो ये मक्का का पत्ता सूखना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसमें देखिए घुआ, तो घुआ ना के बराबर हुआ है और इस पर एक छोटा सा मुट्ठी, और इसके पेड़ों और पौधों की हालत देखी जाए तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ज़्यादा दिनों तक ये अच्छे से नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि धूप इतना ज़्यादा करता है कि बस सूखने की देरी है। और साइड वाला तो बहुत ज़्यादा हरा भरा है क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसमें बहुत ही मात्रा में खाद यूरिया सभी डाला गया था। और जो इस साइड का है, यहाँ पर का जो पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये क्या है ना, एक पहले खनिहार हुआ करता था तो इसमें कभी मक्का नहीं बोते थे, लेकिन इन साल से मक्का बो दिए हैं क्योंकि खनिहार हम लोग का वहाँ पर डाँड वाला रहेगा, बाँस वाली जगह पर रहेगा, सो इसलिए पे पीला पीला है। लेकिन अगर देखी जाए इस पर भी आगे, तो ये देखिए ये मक्का, और इस पर जो दाना है ना वो मजबूती वाला दाना नहीं आया है, अब एक दुदरू वाला दाना है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ये कुछ दिनों के बाद बुढ़ाने वाला है, सो इसीलिए हम लोग देख के पत्ते को अंदाज़ा लगा देते हैं कि अब ये मक्का ज़्यादा दिन मतलब नहीं अब होने वाला, जितना होगा इसी में होगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है और अभी हम खाना स्टार्ट कर चुके हैं। जरदीप भी कह रहा था कि अगर मक्का हो गया होगा तो लेके आना, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ जरदीप, मैं नहीं जा रहा तुम्हारी साइड। तो जो सेम मक्का हम लोग की साइड हुआ है वही तुम लोग की साइड भी हुआ होगा, तो वही खाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंतज़ार करते रहोगे तो सिर्फ एक हफ्ता तक खा सकते हो, इसके बाद तो मक्का बुढ़ा जाते हैं, बजर हो जाते हैं, उसके जो दाना होते हैं ना बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, तो चाबने में और खाने में भी मज़ा नहीं आता और स्वाद नहीं आता। जो दुधरू होता है यानी कि जो अच्छे से मतलब पका नहीं होता, डिढ़ाया नहीं होता है, उसी को खाने में स्वाद और मज़ा आता है दोनों। तो अभी खाना स्टार्ट कर चुके हैं मक्का, और गांव में हम लोग के गांव में मक्का हुआ है ढेर सारा। आप लोग के गांव में कैसा मक्का हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइए, और आप लोग मक्का बोते हैं या नहीं। हम लोग तो बारी में बोते हैं और कहीं कहीं डांड में भी बो देते हैं, लेकिन वैसे हम लोग का ज़्यादा डांड नहीं है ना, तो हम लोग बारी में ही बोते हैं और ज़्यादा बारी भी नहीं है, इसी पे खाने भर का हो जाता है। इसके बाद तो मक्का का भूंजा ऊंजा खाने लिए बच जाता है, लेकिन बेचने के लिए हम लोग ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। और खेतों में तो धान की रुपाई होती है, हम लोग ज़्यादा खेती किसानी थोड़ी ना करते हैं, बस मक्का धान छोटा सा डांड उस पर उड़दा और रहर, बस ऐसे ही खेती किसानी करते हैं। तो यही दिखाना था आप लोगों को कि हम लोग के गांव में मक्का हो गया है तैयार खाने के लिए। अब जैसा भी है हो चुका है, जिसको भी खाना है आइए, मोस्ट वेलकम है। मैं जानता हूँ कि अगर हमारे आसपास के लोग देखेंगे तो बोलेंगे यार आ रहा हूँ, कब खिलाना है क्या करना है, तो भाई बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। एक दो मुट्ठी खिलाने में क्या ही जाता है, हर्ज वाली बात नहीं है। वैसे हम लोग के अगर गाँव में ऐसी होता है कि हमारा है और सामने वाला का नहीं है, तो हम खाने के लिए भी दे देते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं देते हैं। तो इस तरीके से कुछ होता है गांव में, मक्का भुट्टा तैयार है खाने के लिए, हम रेडी हैं और खाना स्टार्ट भी कर दिए हैं। और अभी कुछ देर में हम लोग के घर वाले तोड़ के ले जाएंगे मक्का, और लेके जाएंगे तो भूंजेंगे और मैं खाने के लिए तैयार होकर जाऊँगा और खाऊँगा। वैसे आजकल ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो पा रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर ब्लॉगिंग हो सके। और कमलप्रीत भैया जो दिखे थे, रिव्यू किए थे कि आप लोगों ने अपना वीडियो उनके कमेंट बॉक्स पे लिंक डाल दीजिए और देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि क्या कमी क्या ज़्यादा है। तो मेरा भी ब्लॉग उन्होंने चेक किया तो बोला कि हाँ भाई आपका मतलब ब्लॉग पीसफुल है, तो पीसफुल है कैसा है क्या है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कॉमेंट करके बताएँगे तब मुझको पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि आपका ब्लॉग पीसफुल है, और उन्होंने कहा कि आप देखो भाई ऐसे ब्लॉग बनाओगे तो आपको ब्लॉग नहीं चलने वाला, आपको ब्लॉग अपने गांव के ना बहुत ऐसे ऐसे जगह होंगे जो कि लोग नहीं जानते होंगे, कुछ फेमस जगह होंगे जो प्राचीन हिस्टोरिकल मेमोरेबल जो भी ऐसे होंगे, उन प्लेसेस को दिखाना पड़ेगा। तो मैं थॉट्स में मतलब आई विल फाइंड माई प्लेसेस इन द बेस्ट व्यूइंग ऑफ द प्लेस, मतलब देखने लायक क्या है प्लेसेस उसको फाइंड आउट करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। मेरी यही उम्मीद क्या है, हमें कोशिश रहेगी और आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो ज़रूर दिखाया जाएगा। तो ये रहा हम लोग के गांव का मक्का, दिखाना था अपने बाड़ी का ये है मक्का और पड़ोसी वाले का ये है, तो आप लोगों ने देखा। कंपैरिजन की बात की जाए तो ये वाला बहुत ज़्यादा हरा है और ये वाला थोड़ा सा पीला है, हरा के साथ पीला है, ये डार्क हरा है और थोड़ा सा लाइटनेस हरा है। इसकी मुट्ठी देखो, मुट्ठी है, और इस पर देखो
दाना नहीं आया है मजबूती, अभी उसके अंदर आना बाकी है। लेकिन इस पे देखो तीन ठुआ है, एक दो और एक ठो निकल रहा है तीन। लेकिन जो दो ठो या तीन ठो होते हैं ना उस पे मतलब ज़्यादा मुट्ठी मोटा नहीं हो पाता है। जो सिंगल होता है इसकी, इस पे भी डबल आया, इसमें भी डबल है, शायद डबल मक्का मुट्ठी वाला है। इस पे शायद नहीं आया है, लेकिन इस पे देखो ये ठीक है, इस पे भी आया है। और इस साइड वाला जो हम लोग का है ना, ये सिंगल वाला है मुट्ठी वाला। लेकिन जब आएगा इधर का तो ठीक ठाक ही है, मतलब उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। लेकिन ये सामने वाला आप देखो, ये वाला, इसकी मजबूती देखिए आपने। इस पे भी दो आ जाता है, कभी कभी आ जाता है दो ठो, लेकिन ज़्यादातर एक ही ठो आता है। देखिए मोटापा है, इस पे दाना भी अच्छे से नहीं आया हुआ है, तो आएगा जब तो खाएंगे। लेकिन इंतज़ार किस बात का, हम खाना स्टार्ट कर चुके हैं, आप लोग भी लगाए होंगे तो ज़रूर खाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी ज़िंदगी को। खैर आज के लिए इतना ही रहेगा, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो पे। कैसा ब्लॉग वीडियो आपको देखना है कमेंट बताइए, किस टॉपिक पे आपको जानना है, देखना है, क्या बातें जाननी है और क्या नहीं जाननी है। आप लोग फुल्ली एकदम खुले दिल से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, जो आपके दिल में आता है साझा कर सकते हैं, जैसे कि मैं साझा करता हूँ। तो आप लोग भी अपने दिल की बात साझा कीजिए मुझसे, तो ठीक है, साझा करते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।